खबर जनपद कासगंज की है, जहां टप्पेबाजों और चेन स्नेचरों ने लगातार अलग अलग स्थानों से दो महिलाओं को शिकार बनाकर उनसे जेवरात छीनने की वारदात को अंजाम दिया है। पहली घटना शशि अग्रवाल पत्नी अनिल कुमार अग्रवाल के साथ नरदई गेट के पास, तो दूसरी घटना पूर्व पालिका अध्यक्ष शशिलता चौहान की गली के नुक्कड़ पर घटी। वहीं दूसरी घटना चेन स्नेचिंग की है, जो शहर की सबसे पॉश कॉलोनी आवास विकास से जुड़ी हुई है, जहां एक लेखपाल की पत्नी से दिन दहाड़े महिला से चेन स्नेचिंग की घटना को बाइक सवार लुटेरों ने अंजाम दिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दोनों ही मामलों में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, पर अभी तक पुलिस के हाथों कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। अभी 4:30 बजे वो घर से निकली थी एक पड़ोस में जाने के लिए, तो जैसे ही घर से निकली तो दो बाइक पर सवार जो है, लाल रंग की बाइक है, उसमें दो लुटेरे उनकी चेन खींच के भाग रही है। पल्सर गाड़ी है बिना नंबर की, मुझे कम से कम 10 साल हो गई वहां पर। ये मेरे रोड की पहली घटना है, क्योंकि पूरी आवास विकास कॉलोनी का मेरा रोड व्यस्तम रोड है, मेन रोड है। अभी मैं थाने में हूँ, यहाँ पर FIR लिखा रहा हूँ, पुलिस के संज्ञान में है, इंस्पेक्टर साहब की मुलाकात हो गई है। अब जो पुलिस एक्शन जितना जल्दी लेगी।